ही बेटर लगता है क्योंकि उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी के हाथ में मोबाइल आने के बाद बच्चे पढ़ नहीं पाते, लोग के पास उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि जो मैं ना बहुत कुछ उल्टा दिया लिख देते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूँ रेशो और आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। 2020 पैंडेमिक के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जो हमारे सारे स्टूडेंट्स के बीच में रहा है हमेशा, वो है ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। क्या बेहतर है, क्या इन बच्चों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या राय हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या विचार हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे साथ आज यहाँ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी राय। मेरे हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लास होता है उससे ज़्यादा सुटेबल अपना ऑफलाइन क्लास होता है, क्योंकि उस टाइम हम लोग अपने फ्रेंड से स्टडी डिस्कस कर पाते हैं और टीचर से कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करके मतलब कंफर्म कर पाते हैं। और हर कोई सुटेबल नहीं होता है फ़ोन के लिए, और स्कूल ज़्यादा बेटर देन होता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन क्लास ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन क्लास से। ऑनलाइन में होता है, ऑनलाइन में आप किसी क्लास को कर रहे हैं तो जहाँ पे आप जा नहीं सकते उस जगह के भी क्लासेस ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि बच्चे के हाथ में, बच्चों के लिए ऑनलाइन एडुकेशन नहीं है, क्योंकि बच्चे के हाथ में मोबाइल आने के बाद बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और बच्चे एडुकेशन से ज़्यादा उस डिस्ट्रैक्शन में फंसते हैं। और ऑफलाइन में ये फ़ायदा है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो ऑफलाइन तो वो टीचर की निगरानी में रहते हैं और एक स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन नेसेसरी है। बट आपको ऑनलाइन में कोई भी स्टूडेंट डिसिप्लिन में पढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, प्लस उसमें डिस्ट्रैक्शन इतना है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। सीनियर्स के लिए ऑनलाइन एडुकेशन अच्छा है, जिनको इम्पोर्टेंस पता है एडुकेशन का, उनके लिए ऑनलाइन बहुत बेहतर है। बट बच्चों के लिए ऑनलाइन बेस्ट ऑफ मनी है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बेहतर है, बट ऑनलाइन ज़्यादा है, क्योंकि कहीं भी बच्चे अगर रहेंगे तो वो पढ़ सकते हैं। अगर वो बाहर रह रहे हैं तो अगर क्लास आज नहीं जा पाए, उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो वो घर पे रह के ऑनलाइन क्लास वगैरह कर सकते हैं। बट ऑफलाइन में है कि अगर उनका तबीयत ख़राब है तो वो क्लास नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन इज़ अ बेटर एक्सपीरियंस। एजन कुछ बहुत अच्छा नहीं था, बट ये था कि ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स अपना 100% दे के नहीं पढ़ते थे, लेज़ी होते थे, पढ़ना है किया नहीं तो एग्जिट कर गए, और टीचर्स भी उतना अटेंटिव नहीं रहते थे, तो स्टूडेंट्स का जो पढ़ाई था वो लैक होता था। ऑफलाइन में ये सब कुछ नहीं है, आपको जाना है, आपको पढ़ना है, टीचर्स आप पे अटेंड करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन में क्या बेटर है, अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए हमें। मैम, मेरे लिए तो ऑनलाइन ही बेटर लगता है, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम वगैरह जल्दी क्लियर हो जाता है, टाइमिंग भी कम रहता है तब भी फुल में फुल आ जाता है, और कभी भी क्लास नहीं करने का मन रहता तो कभी भी छोड़ सकते हैं। मतलब उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं ओके के बारे में। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अपने जगह सही है, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में डिसिप्लिन ज़्यादा होता है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, मगर हम लोग जहाँ ऑनलाइन देखें तो ऑनलाइन में हम लोग फिर से जो वीडियोस है, जो रिकॉर्ड हो गया रहता है, वो हम लोग फिर से देख सकते हैं, मगर ऑनलाइन एग्ज़ाम या फिर ऑनलाइन क्लासेस का एक ये भी डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे हम लोग का हेल्थ इश्यूज इफेक्ट होता है, जैसे कि आइस में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर्स बच्चे पे बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर कर सकते हैं, ऑनलाइन में अगर हम लोग को मन नहीं रहता है तो हम लोग क्लास स्किप कर देते हैं, कुछ और सोशल मीडिया पर लग जाते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं ऑनलाइन करती थी तो मैं क्लास में अटेंडेंस बना देती थी, उसके बाद मेरा क्लास ऑन रहता था, बट मैं इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, गूगल्स ये सब चलाने लग जाती थी, क्योंकि क्लास बोरिंग लगती थी। क्या कभी कोई ऐसा फ़नी इंसिडेंट हुआ है आपके साथ में जो ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान हुआ हो, जो आपको आपको पर्सनली पसंद नहीं आया हो पर कुछ ऐसा हुआ हो, कोई कोई इस तरह का कोई एक्सपीरियंस बताइए। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, पर मेरी बहन के साथ हुआ था, जब पढ़ती थी ऑनलाइन क्लास में तो बहुत सारे बच्चे वीडियो में ना बहुत कुछ उल्टा दिया लिख देते थे, इसलिए बहुत बच्चे तब हंसते थे और बैंक कर देते थे क्लास को। बिहार में अगर बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन भी है और ऑफलाइन एजुकेशन भी है, लेकिन रिमोट एरिया में ऑनलाइन एजुकेशन नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हर जगह सिग्नल्स बेटर नहीं है, तो ऑफलाइन एजुकेशन ऑनलाइन से ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑफलाइन में होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशन रहता है जो रिलेशन होना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन में होता है कि बच्चे जब स्टडी करते हैं तो जैसा मेरे फ्रेंड ने बताया कि डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो वो चीज़ होती है, लेकिन ऑफलाइन में ये चीज़ नहीं होती है। और ऑफलाइन में ये होता है कि
वहाँ पे एक स्कूल का कैंपस मिलता है जो कि ऑनलाइन में वो नहीं प्रोवाइड हो पाता है, तो ऑफलाइन एजुकेशन ज़्यादा बेटर है। मैम ऑफलाइन क्लासेस में मिस डिसिप्लिन ज़्यादा होता है, ऑनलाइन क्लासेस में डिसिप्लिन कम होता है, उसमें बच्चे कभी भी एग्जिट कर जाते हैं, और तो और ऑनलाइन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बल्कि ऑफलाइन में बहुत तरीके से जैसे कि ग्रुप स्टडीज़ ग्रुप प्रोजेक्ट सब बनाने के लिए मिलता है, तो उसमें बच्चा एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीख पाते हैं। ऑनलाइन में ये रहा है कि हम लोग ढंग से पढ़ नहीं पाते थे, कोई क्वेश्चन ऐसा रहता था कि हम लोग पूछ नहीं पाते थे, कितने बच्चे उसके बीच में डिस्टर्ब कर देते थे, कितने बच्चे आते थे बीच में गाना कुछ कुछ मतलब करते थे। और ऑफलाइन में ये है कि हम लोग उसमें मैनर्स में रहते हैं, टीचर के सामने रहते हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पाते, जो क्वेश्चन रहता हम लोग वो पूछते हैं। खास करके बिहारी पेरेंट्स तो मोस्ट ऑफ पेरेंट्स तो अनलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, और ये सब लोग अपने बच्चों को प्रॉब्लम नहीं समझ पाते हैं कि स्कूल में ये चीज़ भी चाहिए बच्चों को नहीं चाहिए, और प्लस ऑनलाइन थोड़े महंगे भी पड़ते हैं, डाटा इशू वगैरह भी होता है, और ख़ास करके बिहार में बहुत सारे गाँव में नेटवर्क इशू भी बहुत सारी होती है, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, कितना बताएं हम लोग आपको। थोड़ा सा इस पर भी हम बिहारी सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग यहाँ की हम लोग ये मतलब बिहार की फ्यूचर है, इंडिया की फ्यूचर है, हम लोग पे ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सभी तरह के स्टूडेंट के लिए तो सही नहीं है, क्योंकि बिहार का तो जान ही रहे हैं, बहुत से एरिया में सही से लोग खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, उनके लिए ऑफलाइन गार्जियन तो किसी तरह पेमेंट कर देते हैं ऑफलाइन के लिए, फिर उनको अगर क्लास करना है तो फिर ऑनलाइन के लिए लीजिए, फिर ये तो हम लोग जान ही रहे कि डेटा नेटवर्क वगैरह सारा महंगा होते जा रहा है, लोग के पास उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि वो सही से प्रीफर करें सारे चीज़ को, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा तो हुआ नहीं है आज तक मेरा, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन क्लास में हूँ। बताना चाहूँगा कि मैम ऑनलाइन से बेटर है ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन सभी बच्चे यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सभी फैमिली ठीक नहीं है। बात यह है कि ऑनलाइन में उसके लिए पर्सनली मोबाइल एक होना ज़रूरी है, जो कि सभी के पास होते नहीं है। मानता हूँ कि ऑफलाइन में सही है, लेकिन सभी बच्चे वहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो स्कूल ट्यूशन सब कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में नहीं हो पाता, जिसके वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं ऑनलाइन। थैंक यू सो मच। सो अभी हमने देखा कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो है वो मानना है कि ऑफलाइन एजुकेशन कहीं ना कहीं अच्छी है ज़रूर, पर बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन भी जो एक हाईटेक लाइफ जा रही है उसके हिसाब से अच्छा है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बिहार को ज़रूरत है ऑनलाइन एजुकेशन की, लेकिन फैसिलिटीज़ कितने हद तक रिमोट एरियाज़ और गाँव तक पहुँच पाती है, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी सवाल और इन स्टूडेंट्स के कुछ जवाब के साथ आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।